लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। अब 7 जून को खबरें थीं कि एनडीए के संसदीय दलों की बैठक होगी और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर प्रधानमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, मगर ये सब हो इससे पहले नजरें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है। विपक्ष नीतीश पर डोरे डाल रहा है। अब सवाल है कि अपनी पलटी मार राजनीति के लिए जाने जाने वाले नीतीश इस बार करेंगे क्या? और आप जानते कुछ डालते हैं ना? अब आप तो जानते ही हैं। अरे जनबे ही तो नहीं करते, किसी को कहां पता होता है कि नीतीश बाबू के मन में क्या चल रहा है? किसी को कहां पता होता है कि नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला लेंगे? लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद कमल वाले भी इसी कश्मकश में हैं कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या, और इस कश्मकश को बढ़ा देने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। दिल्ली में 2 बैठकें होनी थी, एक सरकार बना लेने की कोशिशों में जुटे इंडिया गठबंधन की, जिसमें तेजस्वी यादव को शामिल होना था, दूसरी सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के लिए एनडीए की, एक में तेजस्वी को पहुंचना था, दूसरे में नीतीश कुमार को। दोनों पटना से दिल्ली रवाना भी हुए, मगर एक साथ एक ही विमान में पहले अलग अलग कुर्सी पर बैठे थे, फिर साथ साथ बैठ गए। यहीं से सवाल पनपा कि विमान में तो साथ बैठ गए हैं, मगर क्या राजनीतिक रूप से भी नीतीश साथ बैठ जाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन को अगर सरकार बनाने के आसार लग रहे हैं तो उसमें नीतीश कुमार का होना जरूरी है। हालांकि जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे। और मैं इन सारी अफवाहों को, चर्चाओं को सिरे से खारिज करता हूं कि जेडीयू एनडीए के अलावा भी किसी तरह की सोच के प्रोसेस में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी आज दिल्ली में हैं, एनडीए की बैठक में रहेंगे, अपना समर्थन एनडीए और नरेंद्र मोदी जी को देंगे। कल परिणामों के बाद से ही केसी त्यागी ऐसा बोल रहे हैं, मगर नीतीश कुमार को जानने वाले जानते हैं कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इसीलिए जेडीयू के ही दूसरे नेता कहते हैं कि पार्टी नेतृत्व आगे के फैसले तय करेगा। अब एहसास हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी से कोई प्यार करे या घृणा करे इनकार नहीं कर सकता है, और हम एनडीए के हिस्सेदार हैं, एनडीए के हिस्सेदार हैं, तो पार्टी अपनी भूमिका, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर करके उसको कार्यनीति बनाएगा। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने तो ऐलानिया कहा था कि परिणामों के बाद देखना चाचा नीतीश कहाँ जाएंगे। अरे चाचा जी पलटे, चाचा जी को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला, अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे भूखड़ यहाँ लग रहा था। अब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली तक चुप्पी साधे हुए हैं, और उनकी ये चुप्पी इंडिया गठबंधन की आंखें चमका रही है। साथ ही जेडीयू के नेता तो इशारा कर रहे हैं कि नीतीश जिसके साथ भी रहेंगे शिखर पर रहेंगे। वो तो बराबर रहे हैं, नेता का जो कार्य रहा है, नेता का काम करने का तौर तरीका रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, जनता का आशीर्वाद प्यार रहा है, निश्चित तौर पर जब तक वो जिंदा रहेंगे सुपर बन के रहेंगे देश के अंदर। इसके पहले भी सूत्रों से खबर है कि नीतीश कुमार मांग कर सकते हैं कि जेडीयू के 3 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएं। नीतीश कुमार के मन में क्या है, नीतीश कुमार बाहर नहीं आने दे रहे, मगर बीजेपी के बाकी सहयोगी भरोसा जता रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया, और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए में रहना चाहिए, मगर वो एनडीए में रहेंगे ही इस बात की गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार तभी कार्य अच्छा करते हैं, यहाँ देखा गया है कि जब एनडीए के साथ रहते हैं। वैसी परिस्थिति में राजहित में कोई ऐसा निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे जिससे कि राज्य को कोई घाटा हो। विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उस पे बैठते हैं सब लोग, इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं,
और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ दामन साथ आए हम। जनता तो विचार कर चुकी है, अब आगे क्या। वैसे भी नीतीश कुमार पर सस्पेंस बरकरार है। याद कीजिए, चुनावों के दौरान ही तेजस्वी यादव ने पूछा था कि मोदी जी क्या नीतीश कुमार की गारंटी लेते हैं। एक बोलता है मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत है। अरे हम तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बताइए मोदी जी नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा। अब मंथनों का दौर है और सरकार बनाने का शोर है। पहली बार मोदी गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। देखना होगा कि साथियों को कैसे साधा जाएगा और कैसे नीतीश कुमार को संभाला जाएगा। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।